तो ठीक है, ये नींबू आसाम से फेवरेट, ये मेरा भी यही फेवरेट है। सबसे पहले तो तू ही बोलता है। कौन? तू। मैं तो गेंडी बोलता हूँ, सीधा गेंडी। टेस्ट करके बताओ कैसा हो। What is up my viewers, welcome back to another new vlog. This is Amit Chhetri and I am from Assam. अभी मैं फिलहाल हूँ केरला में दीदी के घर पे और मैं आपको दिखाता हूँ कि दीदी के बैल्कनी से नज़ारा कैसा दिखता है यहाँ का। ये रहा यहाँ से कुछ बैल्कनी से नज़ारा कुछ ऐसा दिखता है। सी, मैं हूँ अभी फिलहाल BPCL टाउनशिप में। वो जो आपको दिख रहा है सीधा ये है, तो ये बैक वाटर है समुंदर का, इसके पीछे में है समुंदर अरेबियन सी। तो अभी फिलहाल चलते हैं हम दूसरे साइड पे और उस साइड में भी यार नज़ारा बहुत ही अच्छा है। ये रहा, चलो। तो ये एक्चुअली में ये पहले बर्ड सेंचुरी था इधर। यहाँ पे अभी भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, ज़्यादातर बैट्स हैं यहाँ पे चमगादड़। तो ये बिल्डिंग 12 स्टोरी बिल्डिंग है, तो यहाँ से कुछ नज़ारा ऐसा दिखता है। वहाँ तक मैं इसके मैं ऊपर गया हूँ मैं टेरेस पे, तो वहाँ से पूरा ना अरेबियन सी दिखता है ऊपर से। बट मैं आज नहीं जा रहा अभी फ़िलहाल, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं किस काम से बिज़ी हूँ। मैं जिस काम से बिज़ी हूँ वो है ये रूम का। यार हालत देखो यार, ये देखो, ये तो मेरा सामान, मेरी बाकी दीदी और जीजाजी का है, सारा फैला हुआ है, सारा कचरा कर रखा है। ये देखो, ये रहा इधर भी, और ये रहा ये मेरा रूम। सारा मेरे को साफ करना भाई, सारा का सारा। मैं आपको बताता हूँ कि लाइक इनका घर सिस्टमेटिकली अभी क्यों नहीं है फिलहाल, क्योंकि यार दोनों जॉब करते हैं यहाँ पे, और दीदी का है वर्क फ्रॉम होम और जीजाजी जाते हैं ऑफिस से ड्यूटी के लिए, तो इनके पास एक्चुअली टाइम नहीं मिलता। सुबह उठो 7:30 को उठ के वापस ऑफिस जाओ, या फिर दीदी वर्क फ्रॉम होम पे दिन भर बैठती है काम करते हैं, उसके बाद रात को मतलब कि ना सो जाते हैं जल्दी, और जो वीकेंड या फिर संडे को जो टाइम मिलता है वो उन लोग बाहर स्पेंड करते हैं। तो इस चक्कर में ना, तो ये दीदी मेरे से कह रही थी कि यार टाइम नहीं मिले सारा सीजल करने को। तो जो कोई भी नए व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं या फिर जिस किसी ने भी मेरा लास्ट व्लॉग ना देखा हो, तो आप प्लीज़ जाके वो देखिए, क्योंकि लास्ट व्लॉग मैं अपलोड कर चुका हूँ, रेस्पॉन्स आ रहे हैं अच्छा खासा। तो जिन लोगों को नहीं मालूम, मैं आपको फिर से बताता हूँ, कल मैं आसाम से केरला आ गया था दीदी को सरप्राइज़ विजिट देने को, तो फॉर रक्षाबंधन। तो दीदी का एक अच्छा सा रिएक्शन वीडियो रिकॉर्ड हुआ है उस ब्लॉग पर, जाके देखिए आप और कमेंट करना कि यार वीडियो कैसा था। दीदी के एक्चुअली अभी ऑफिस टाइम है, तो मैं डिस्टर्ब नहीं कर रही दीदी को, तो वो अभी मीटिंग में बैठी हुई है, तो उनका कम से कम सुबह 9 से लेकर शाम 4:30 या फिर 5 बजे तक ऑफिस टाइम रहता है, बट वो ओवर टाइम कर रही है अभी क्योंकि काम का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा है, वो कह रही थी मेरे को। तो ठीक है, दीदी काम करेगी, तो मैं फटाफट दीदी के लिए लंच बना के दीदी को देता हूँ, क्योंकि उनके पास तो टाइम है नहीं बनाने को, इसलिए जब मैं आ गया तो फटाफट मैं लंच रेडी करता हूँ। फाइनली ये लंच बहुत दिनों बाद मेरे हाथों से। क्या क्या बनाया इतना ज्यादा? राइस, क्या पे दाल है? दाल, दाल ये राइस है, सब्जी। वाओ, लास्ट 1 मंथ से मैं ऑर्डर करके ही खा रही हूँ क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो ठीक है, ये नींबू आसाम से फेवरेट, ये मेरा भी यही फेवरेट है। तो अरे यहाँ पे बहुत तो नींबू मिस करते हैं। तू खा, तू अच्छे से खा, अब जब मोटी हो जाए तुम और हो जा मोटी, करने के काम ही क्या है। सबसे पहले तो तू ही बोलता है। कौन? तू। मैं तो गेंडी बोलता हूँ, सीधा गेंडी। ये भी दे, ये भी दे। टेस्ट करके बताओ कैसा हो।
मम्मी की याद आ गई। मैं अच्छा बनाता यार, मेरा बहुत पहले का एक्सपीरियंस है। ₹40 प्लेट का, ₹10 मेरे वीडियो में आने के लिए। मुंह दिखाएंगे ₹10। ठीक है, दे दूंगी। ये ले। ओके। ठीक है। शाम के 6 बज रहे और हम जा रहे हैं अभी। ती मेरे बाल क्यों सेट नहीं हो रहा? मेरे बाल है सेट हो देना भैया। हम जा रहे हैं अभी टाउनशिप के कैंटीन में चाय पीने को, क्योंकि 10 दिन पुराना दूध फट गया। यहाँ से टाउनशिप कुछ ऐसा दिखता है। ये रहा हमारा फ्लोर, ये सेकंड में। तो ये काफ़ी बड़ा है बिल्डिंग, ये अंदर का एरिया। असम में अभी यार बहुत ही गर्मी है रहा असम पे, और राइट नाउ इन केरला इट्स रेनिंग, बट अभी नहीं क्योंकि बारिश की वजह से ना यहाँ पे मतलब कि काफ़ी ठंड है, मतलब कि रात को मैं कंबल लेके सो रहा हूँ। बट असम में यार पूरा ऑपोजिट है, अभी गर्मी हो रहा बहुत ही। और कुछ रात को ये बिल्डिंग ऐसा दिखता है, और ये एरिया भी कुछ ऐसा दिखता है यार। अब थोड़ा वॉक करते हैं इसके चारों ओर। ये बहुत ही बड़ा एरिया है एक्चुअली वॉक करने के लिए। कोविड के टाइम पे जब मैं था ना यहाँ पे दीदी के यहाँ पे, कम से कम 3-4 महीने रहा यहाँ पे, और मेरा इवनिंग बहुत ही सही जाता था यहाँ पे वॉक करते हुए, अकेले दोस्तों से बात करते हुए। अलेक्सा प्ले जब लगा ले तू लिपस्टिक सॉन्ग। तू लगा वेलू जब लिपस्टिक बाय पवन सिंह, इंदु विश्वनाथ एंड राजेश रजनीश ऑन अमेज़न म्यूजिक।